हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लोरर दानिश पे। और सामने आप देख रहे हैं हुंडई की ट्यूसॉन। बिल्कुल इसका टॉप एंड वेरिएंट है ये। अगर पास में 35-40 लाख रुपए हैं और उतनी की गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस होने वाली है, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने से इसका आप विड्थ देख सकते हैं, 1865 mm का विड्थ है इसका। इसका भाई क्या लग रही है सामने से। इसका ग्रील देखो, इसके ग्रील को देखो, बिल्कुल ब्लैक ग्लोसी क्रोम लुक में एकदम ऐसा बना दिया। इसी में इसकी बेजिंग भी है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसकी लाइट ना जले तो किसी को पता भी ना चले कि इसमें लाइट दे रखी है। पूरी DRL यहाँ से, ये जो है ना, ये सारी लाइट है इसकी, वो भी DRL लाइट्स हैं ये। ये यहाँ पर बिल्कुल डायमंड कट्स ग्लोसी लुक में बिल्कुल ग्रील के साथ ही है। और नीचे इसमें हेडलैम्प दिया है, हाई बीम और लो बीम, यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त। फॉग लैम्प का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नीचे आपको इसके बम्पर लिप पे आपको इस तरह से क्रोमिंग मिल जाती है, कितनी जबरदस्त आप देख सकते हैं। और इसमें आपको मिल जाता है, फ्रंट सेंसर भी मिल जाता है और फ्रंट आपको कैमरा भी मिल जाता है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा है चारों तरफ। नीचे की हाइट, हाइट ग्राउंड क्लियरेंस इसका 181 mm का है, बिल्कुल जबरदस्त लुक। टायर आप देख रहे हैं, बिल्कुल 18 इंच का तो इसमें टायर दिया है, SUV वाले। इसमें आपको साइड मिरर में भी कैमरा मिल जाता है, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ आपको। आपके इसके हाईलाइट में जो है ना, डैशबोर्ड के हाईलाइट में आपको एसी वेंट इसी में एडजस्ट एकदम साथ में दे रखा है, बिल्कुल पता भी ना चले। कुछ इस तरह से अंदर की डिजाइन है, यहाँ पर सीट एडजस्टिंग का दे रखा है। आपको पैसेंजर साइड में भी कुछ इस तरह से है, सीट बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको 8-mood गियर है, ये ऑटोमेटिक गियर 8-mood गियर है। और इसमें सब इस तरह से है, पीछे इसमें आपको बहुत कुछ जगह है, बहुत सब अंदर से भी दिखाएंगे आपको। इसमें सीट वगैरह सब कुछ इस तरह से है, बिल्कुल फैब्रिक में आपको ऊपर डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ दे रखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। आपको अब ले चलते हैं पीछे। पीछे आप देख रहे हैं, आप इसमें पीछे भी 2 AC वेंट दे रखे हुए हैं और कुछ इस तरह से पीछे की सीट है। आपको आपको सब दिखाएंगे। ये देखो, इसमें रूफ रेल ब्लैक ग्लोसी कलर में रूफ रेल दे रखा हुआ है, इसमें अलग ही मजा दे रहा है, गाड़ी का तो अलग ही लुक दे रखा है, बिल्कुल लग्जरी वाली फीलिंग गाड़ी की। देखिए यहाँ भी कैमरा है, इस साइड में भी। गाड़ी की डिजाइन बिल्कुल पैरामेट्रिक डिजाइन में है। इसमें 8-speed गियर मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि टॉप एंड ऑटोमेटिक है। विड्थ इसमें 1865 mm की मिल जाती है, हाइट इसमें 1665 mm की मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 2000 cc का इंजन मिल जाता है। इसके हेडलैम्प कुछ इस तरह से दिखते हैं, इसमें ही दोनों है, हाई बीम लो बीम दोनों इसमें हेडलैम्प दे रखा हुआ है, जबरदस्त। टायर कुछ इस तरह से है, टायर का आप डिजाइन ऐसा देख सकते हैं, 18 इंच का टायर है। इसके अलॉय व्हील आप देखिए कितने जबरदस्त दिख रहे हैं। इसमें आपको हुंडई की ब्रांडिंग भी कर रखी हुई है, डायमंड कट कट। टायर की प्रोफाइल है 235/60R18 18 इंच का टायर है, बिल्कुल SUV वाले 18 इंच के टायर दे रखे, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल शानदार दिख रहा है ये टायर। इसमें आप देख रहे हैं, और ये सब इसका फेंडर लाइन देखिए, फेंडर लाइन बिल्कुल प्लास्टिक में दे रखा है, मतलब फाइबर बोल सकते हैं, हेवी फाइबर। अब यहाँ आप साइड मिरर में देखिए DRL इंडिकेटर दे रखा हुआ है, और इसी के नीचे आपको ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा होगा, इसमें कैमरा इस तरह से दे रखा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कैमरा दे रखा, जबरदस्त है। इधर इस तरह से यहाँ पर आपको सीट एडजस्टिंग का दे रखा है, पैसेंजर साइड में भी आपको दिखाया था इसके पहले भी। अब आपको इसके बैक प्रोफाइल पे ले चलते हैं। बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, उसमें कनेक्टिंग DRL बैक लाइट दे रखी है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक में। ये रही यहाँ से, ये पीछे यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ख़त्म होती है, इतनी शानदार दे रखी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको इंडिकेटर नहीं दे रखे यहाँ पर, ये सारी बैक लाइट स्टॉप लाइट है, देख रहे हैं आप। और अगर आपको ये देखिए, इसमें कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक ग्लॉसी लुक में जब जलती है तो और ज़बरदस्त लगता है, जैसे लगता है इसमें नग लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। और आपको नीचे यहाँ पर आपको इंडिकेटर दे रखा है और रिफ्लेक्टर दे रखा है, ये इंडिकेटर है नीचे, ताकि ऊपर का डिजाइन ना खराब हो, इसलिए इसे नीचे इंडिकेटर कर रखा हुआ है, देख रखते हैं आप कुछ इस तरह से। इसकी बैक लाइट है बिल्कुल ग्लॉसी, स्मोकी ग्लॉसी लुक में, मतलब फीलिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है। कैमरे में अंदर उतना अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं हो रहा, लेकिन अंदर कुछ अलग ही लुक है। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर दे रखे हैं और पीछे ही कैमरा दे रखा है, और यहाँ आपको पीछे डिफॉगर दे रखा है, और डिफॉगर में स्पॉइलर के नीचे आपको वाइपर दे रखा है, यह हाई मच बैकलाइट दे रखा हुआ है, ऊपर आपको एंटीना दिख रहा होगा, और वो बाकी पैनारोमिक सनरूफ है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ कैमरा दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन है, जबरदस्त भाई। गाड़ी भी तो है 35-40 लाख की, तो इसमें तो इतने सारे फीचर्स तो देंगे ही, जबरदस्त बिल्कुल लग्जरी वाले फीचर्स। ये टायर बैक टायर आप देख सकते हैं। आपको बूटी स्पेस दिखाता हूँ, ये भैया आप इसका खोलेंगे, इसको इस तरह से यहाँ से टच करेंगे, सॉफ्ट टच, ये आराम से खुल जाएगा इसमें। और ये की रिमोट से भी खुल जाता है, लॉन्ग प्रेस आप की रिमोट पे कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। 539 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक लैंप मिल जाता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आप
कुछ इस तरह। आप इसको भी आप ऐसे खींच के यहाँ पर आप लगा सकते हैं, साइड में इसको फंसा सकते हैं, तो आपको ऊपर नीचे दो जगह हो जाएगी इसमें सामान रखने के लिए। और जो वाली सीट है वो वहाँ से फ्लिप भी हो सकती है, आप उसको नीचे भी कर सकते हैं। अब इसे वापस खोल दिया कुछ इस तरह से बिल्कुल आराम से। अब इसका स्पेयर व्हील यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये स्पेयर व्हील नीचे रखा हुआ है, इसी में एडजस्ट किया हुआ है खूब आराम से। इसको यहाँ से उठाएंगे, बाकी वरना तो बहुत ज़्यादा स्पेस है गाड़ी में, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको ऐसे यहाँ से खींचेंगे, आराम से साइड में फंसा देंगे, ये आपके दो जगह हो गए। सामान एक नीचे रख दिया सामान, और कुछ सामान ऊपर रख सकते हैं हल्के फुल्के, फिर यही ऐसे छोड़ा दिए, फिर आराम से अपनी जगह पर। ये सीट जो है सारी फ्लैप हो जाती है, आराम से मुड़ सकती है अगर आपके पास ज़्यादा सामान है। और यहाँ आपको साइड में स्पीकर दिख रहे होंगे, यार ये बैकग्राउंड का गाना कॉपीराइट लग के रहेगा हर हाल में। बूट स्पेस तो बहुत ज़्यादा है भाई, पाँच। यहाँ पर प्यार से इस तरह से आप टच करेंगे, ये पीछे का बैक डोर खुल जाएगा आपको बूट स्पेस का, और कुछ इस तरह से फिर यहाँ पर एकदम प्यार से ऐसे टच करेंगे, ये आराम से नीचे आ जाएगी। इसमें होता है भैया, ये नीचे आराम से इसमें नीचे चला जाएगा। इसके हाइट को कंट्रोल करके इसमें मेमोरी भी दिया हुआ है कि कम हाइट है तो आप। ये इसका फ्यूल टैंक है, इसमें आपको 62 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी भी उस तरह की है तो भाई फ्यूल टैंक भी तो ज़बरदस्त होना चाहिए। ओके रिपोर्ट है भाई। इधर आपको खड़ी हुंडई की ट्यूसन, और दूसरी तरफ खड़ी है आयोनिक 5, ये इस तरह से बिल्कुल। अब चलिए आ जाते हैं, हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। खोलते ये डोर ट्रिम कुछ ऐसा है जिसमें आपको हाईलाइट इस तरह से दिख रहा है, ये आपको फैब्रिक का हैंडरेस्ट दे रखा है, इसमें आपको पावर बटन वगैरह दे रखे हुए हैं एडजस्टेबल के लिए, यहाँ एडजस्ट करने के लिए दे रखे हुए हैं, यहाँ आपको बटन वगैरह दे रखे हैं डोर लॉक वगैरह के लिए, ये सारे आपको डिफॉगर वगैरह दे रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ आपको स्पेस दे रखा है, बॉटल या आप कपड़ा रखने का स्पीकर दे रखा हुआ है, बहुत सही ज़बरदस्त है इसमें। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्टेबल बटन दे रखा है, बाकी ये सीट को एडजस्ट करने का दे रखा हुआ है, सीट बिल्कुल फैब्रिक है, इसमें आपको एयर बैग दे रखा है, सीट पूरी वेंटिलेटेड सीट है, गजब सीट का मतलब रॉयलिटी है, 40 लाख रुपये फालतू नहीं जाएंगे। यहाँ हुंडई की बैजिंग दे रखी है स्टेयरिंग पे, क्रूज कंट्रोल दे रखा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं बटन्स वगैरह सारे एडजस्ट करने के, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ एसी वेंट दे रखा है, हाईलाइट दे हुआ है उसमें, ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पर भी आपको दे रखा हुआ है बटन आपको सीट एडजस्ट करने के लिए, ये आपको एंड्रेस के नीचे आपको मिल जाता है, बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी जगह इस बॉक्स के अंदर, कूल तो नहीं लग रहा कूल। और ये सारे बटन दे रखे हुए हैं ईयर वगैरह को, आप एसी वगैरह को पीछे वाले को एडजस्ट करने के लिए, आपको 8 मूड गियर दे रखा हुआ ऑटोमेटिक, और यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह ये सब आपको देखो, टेरेंस मूड ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और ये आपका गियर 8, और ये सारा जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है ना ये हजार्ड मोड के लिए, सारा आपको टच, इसमें नॉब नहीं मिलते, सारा टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन यूज करो और सारा इससे सेटिंग होता है, ये नहीं कि नॉब दबाने वाला है। और अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सॉकेट मिल जाता है 12 वोल्ट USB, और आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, बहुत सही ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी आपको जगह मिल जाती है बॉटल वगैरह रखने के लिए काफ़ी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपको डिजिटल क्लस्टर दे रखा है, अभी डोर दो खुले हैं तो डोर दिखा रहा है खुला हुआ, बहुत सही ज़बरदस्त दिखा रहा है ये, मौसम है ये आपका, ये वाइपर वगैरह के लिए, ये आपको टिल्ट टिल्ट आपको स्टेयरिंग हो सकती है, ज़बरदस्त है। अब 40 लाख में क्या कमी हो, ये सारा आप बूट स्पेस खोलने के लिए, और आपको हेडलैम्प वगैरह एडजस्ट करने के लिए नीचे आपको पैडल दे रखा है, और डेड पैडल भी दे रखा है, ऑटोमेटिक है तो खाली दो पैडल है, और यहाँ आपको ग्लोव बॉक्स यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये आपको एसी वेंट दे रखा है हाईलाइट में, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देख रहे हो हाईलाइट कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल सिल्वर और ब्लैक ग्लॉसी में, उसी में आपको एसी वेंट भी है, पता नहीं चल रहा एसी वेंट किधर है, ज़बरदस्त है भाई। ओके एकदम, ये देखिए आप एसी वेंट यहाँ पर आप इसको, इसमें एयरबैग का भी दे रखा है, यहाँ पर आपको स्पीकर दे रखा हुआ डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड भी फैब्रिक टाइप का कुछ इसमें दे रखा हुआ है, ज़बरदस्त है। ओके रिपोर्ट है भाई गाड़ी की, लग्जरी गाड़ी का मज़ा ही अलग है, सही है देखिए। और ये आपको ऊपर सनरूफ दे रखा हुआ है, पैनारोमिक है, और यहाँ से ये सनरूफ खुलेगा, और बाकी आपको लाइट वगैरह के बटन दे रखे हैं, आपको यहाँ पर SOS मूड दे रखा हुआ है, SOS बटन वगैरह दे रखे हुए हैं सारे यहाँ पर है। यहाँ पर आपको सन वाइज़र आपको ग्लास के साथ शीशे के साथ मिल जाता है इसमें, और आपको ये IRVM मिल जाता है, IRVM में भी कैमरा है कुछ ज़बरदस्त की रिपोर्ट है। अब चलते हैं पीछे आपको रियर सीट पर, ये खोलते हैं डोर, हाँ अंदर देखते हैं इसका, आप इसमें भी देख सकते हैं डोर ट्रिप वगैरह, इसमें भी हाईलाइट दे रखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक हाईलाइट बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें भी आपको फैब्रिक और ये हैंडरेस्ट, यहाँ पर पावर बटन, आपको यहाँ पर सामान रख सकते हैं आप, बॉटल वगैरह रख सकते हैं, स्पीकर यहाँ भी दे रखा है, बहुत सही है भाई स्पीकर के लिए भी। अब अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, ये सीट देख सकते हैं, सीट भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल क्या क्वालिटी है सीट की, बिल्कुल फैब्रिक मतलब बहुत ही शानदार है। ये कप होल्डर यहाँ दे रखा है, यहाँ खोलेंगे कप होल्डर का यूज करो चाहे हैंडरेस्ट का यूज कर लो, लोग कप होल्डर के लिए यूज करेंगे इसमें हैंडरेस्ट
के लिए क्या ही मजा है। यहाँ भी सीट दे रखी है, वहाँ 3 आदमी के लिए सीट बना रखी है, कप होल्डर अगर ऊपर रखते हैं तो कुछ इस तरह से। वहाँ भी आपको स्पीकर दिख रहा है, यहाँ पर आपको USB हब दिख रहे होंगे USB वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। देख रहे हो भाई कितनी ज़बरदस्त बना रखी है, बहुत सही है भाई। अब मैं इस पर थोड़ा बैठ के दिखाता हूँ। जब मैं बैठ गया भाई, मेरी हाइट 5.11 इंच, ये देख लो आप। अब मैं इतना बैठ गया फिर भी मेरे आगे इतनी जगह बच रही है। ये सीट स्टैंडर्ड साइज पे है, तब भी इतना स्पेस तो मुझे मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं इतना स्पेस, मतलब गाड़ी में स्पेस बहुत है। स्पेस की लिए को कोई बात ही नहीं बोल सकते, स्पेस की कोई शिकायत नहीं है भाई। ज़बरदस्त इतना स्पेस है, देख लो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भाई। ऑसम है भाई, ओके रिपोर्ट है गाड़ी की। बैक शीशे का ये डिफॉगर है, आप देख सकते हैं अंदर, आपको वो सब तो दिखा ही चुका हूँ मैं। ऑसम, ओके रिपोर्ट है भाई। अब साइड से देखते हैं, साइड से आप देख रहे हो गाड़ी का लुक देखो, बिल्कुल लग रहा है SUV प्लस स्पोर्ट्स गाड़ी, सो से ऐसे अभी निकल जाएगी। गाड़ी का डिज़ाइन बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी में व्हील बेस है 2755 mm का, आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 181 mm का। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको खुल जाए भाई, अच्छा अभी लॉक है, कोई बात नहीं, लॉक कर दिया है फिर। अब यहाँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो आप, 181 mm का है। और आपको इसमें हाइट 1665 mm की मिल जाती है। टायर का तो आपको प्रोफाइल दिखा दिया था मैंने। कुछ इस तरह से थी हुंडई की ट्यूसन, आपको कैसी लगी? ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।